दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स लेके। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है रैलिस इंडिया लिमिटेड जो दोस्तों एक टाटा ग्रुप का कंपनी उसमें वैकेंसी देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट है DCM श्रीराम जो उसमें वैकेंसी देखने को मिलेगा। SMS फार्मा यस केमिकल और दोस्तों ऑनर केमिकल और इस तरीके से दोस्तों आपको टोलेंट और GETC मतलब गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा और NCESS। दोस्तों इस तरीके से आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगा जो फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत सारे नोटिफिकेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने मकसद की तरफ, कहाँ पे वैकेंसी। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो रैलिस इंडिया लिमिटेड एक टाटा ग्रुप का कंपनी है उसमें वैकेंसी दहेज प्लांट के लिए। ये दोस्तों दहेज जो है गुजरात में, यहाँ बहुत सारी वैकेंसी मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे सुपरवाइजर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, जहाँ पे MSc 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपके पास BSc है तो 3 से 9 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से किया है तो 3 से 9 साल का एक्सपीरियंस, जो दोस्तों एग्रोकेमिकल और केमिकल प्रोडक्शन प्लांट का चलेगा। नेक्स्ट बात करूँ तो FTT के लिए वैकेंसी प्रोडक्शन में, जहाँ पे फ्रेशर BSc MSc इन केमिस्ट्री और डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ सुपरवाइजर इन्वायरमेंट के लिए, जहाँ पे दोस्तों BSc MSc इन केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट या आपका डिप्लोमा इन्वायरमेंट से है, 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, ऑपरेटिंग ETP, MEE, ATFD, STD एंड RO इन एग्रोकेमिकल और केमिकल प्लांट। दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर FTT QA के लिए वैकेंसी, जहाँ पर फ्रेशर चाहिए BSc MSc इन केमिस्ट्री, दोस्तों जिनका नॉलेज थोड़ा स्किल होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है यहाँ पर बता दिया गया है, तो दोस्तों गुड कम्युनिकेशन फाइनली। नेक्स्ट बात करूँ एग्जीक्यूटिव QA के लिए वैकेंसी, जहाँ पर दोस्तों MSc इन केमिस्ट्री, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ भी सेम है कि आपको इंग्लिश थोड़ा अच्छा स्किल रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी, जहाँ पर BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पे मैकेनिकल मेंटेनेंस का काम है जो दोस्तों एग्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ तो सीनियर एग्जीक्यूटिव CQAL के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे क्वालिफिकेशन में MSc 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो दोस्तों इन CQAL लैब एग्रोकेमिकल एक्सपीरियंस इज मस्ट। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो FTT PD लैब के लिए वैकेंसी, प्रोसेस एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर फ्रेशर जो है दोस्तों MSc इन केमिस्ट्री से होना चाहिए, जिन्हें दोस्तों इन प्रोडक्शन डेवलपमेंट प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है, जिनके पास दोस्तों फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का डिग्री या विद 8 to 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो दोस्तों आपको बॉयलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एग्रोकेमिकल और केमिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख रहे हो BE और BTech केमिकल इंजीनियरिंग से चाहिए, 9 से 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चलेगा, जो दोस्तों एग्रोकेमिकल और केमिकल प्लांट का चलेगा। नेक्स्ट बात करूँ सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव QA के लिए वैकेंसी, जहाँ पर BSc एंड MSc इन केमिस्ट्री, 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो दोस्तों इन लैब एनालिसिस फॉर एग्रो केमिकल और केमिकल। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर BE BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन या BE BTech इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, 9 to 10 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन एग्रोकेमिकल और केमिकल प्लांट। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो फिक्स टर्म ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी, जहाँ पर दोस्तों उनके लिए यहाँ पर 60% होना अनिवार्य है, उससे नीचे है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने का बहुत इजी तरीका है, यहाँ पर आपको अपना CV फॉरवर्ड करना है विद अपना जो भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए। मेल ID है DAHEJHR@RALIS.com।
तो अपना CV फॉरवर्ड कर दो, और विद आपको जो भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आपकी क्वालिफिकेशन है थोड़ा सा आप लिख दोगे तो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों DCM श्रीराम में है। यहाँ पे आपको सीनियर मैनेजर मटेरियल्स, जहाँ पर 12-15 ईयर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन BBTech मैकेनिकल। नेक्स्ट मैनेजर के लिए वैकेंसी है दोस्तों 10-12 ईयर एक्सपीरियंस, BBTech मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल केमिकल चाहिए। डिप्टी मैनेजर ENI के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों 5-8 साल का एक्सपीरियंस, BBTech इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से चलेगा। एग्जीक्यूटिव दोस्तों यहाँ पर 1-3 साल का एक्सपीरियंस, BBTech मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल केमिकल चाहिए। नेक्स्ट आपको AM के लिए वैकेंसी है, FA के लिए जहाँ 3-5 साल का एक्सपीरियंस, BBTech एग्जीक्यूटिव रॉ मटेरियल एंड पैकिंग, 1-3 साल का एक्सपीरियंस, BBTech AM के लिए वैकेंसी है, 3-5 साल का एक्सपीरियंस, BBTech मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल केमिकल चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऑफिसर्स, तो यहाँ पे 1-3 साल का एक्सपीरियंस, BBTech चाहिए, ठीक है। जो भरूच गुजरात लोकेशन के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए नीचे दी हुई मेल ID पर अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं, CHEMICALSHR@DCMSHRIRAM.com। तो दोस्तों यहाँ पे अपना पोजीशन मेंशन करके अपना CV भेजें तो उनके लिए इजी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे मेल आई डी ऊपर ही दिए, CRWR@ACUPRECE.in। यहाँ पर दोस्तों ये जो टेलीफोनिक इंटरव्यू या वीडियो कॉन्फ्रेंस से इंटरव्यू होने का है, ठीक है। रिसर्च एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, जो दोस्तों आप देख रहे होगे रिसर्च असिस्टेंट, जहाँ पर दोस्तों मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, जो आपको MSc और MPharma किया होना चाहिए। RA के लिए वैकेंसी है, जो QA के लिए, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो मिनिमम 4-5 साल का एक्सपीरियंस, MSc MPharma, यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है डिपार्टमेंट आपका बताया गया। नेक्स्ट बात करूँ RA के लिए, GLP के लिए 4-5 साल का एक्सपीरियंस, MSc MPharma। नेक्स्ट है RA के लिए वैकेंसी है रिसीवर, तो यहाँ पर दोस्तों वो है रिव्यूअर के लिए वैकेंसी है रिव्यूअर, तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम 4-5 साल का एक्सपीरियंस, MSc MPharma। नेक्स्ट बात करूँ रिसर्च असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस, MSc MPharma। एग्जीक्यूटिव IT के लिए वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस, MCA MSc IT और इससे इक्विवेलेंट जो भी रिलेटेड क्वालिफिकेशन है वो चलेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया 9099932105। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर SMS फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हैदराबाद लोकेशन है, QA के लिए वैकेंसी, जहाँ पर MSc V Pharma, 4-7 साल का एक्सपीरियंस और 1-3 साल का एक्सपीरियंस, 0-1 ईयर एक्सपीरियंस, जहाँ पर दोस्तों 1-2 ईयर एक्सपीरियंस, MSc माइक्रोबायोलॉजी। ये दोस्तों इंटरव्यू जो है 16-19 जून 2021 10-12 बजे तक होने का है। पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर है 9100072354। मेल ID दोस्तों यहाँ पर ADMIN_UNIT2@SMSPharma.com। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में लेके जाना है 3 मंथ का पे स्लिप, रिज्यूम, आधार कार्ड का जीरोक्स, UAN नंबर, मेल कैंडिडेट ओनली, ठीक है। जो जितना जल्दी ज्वाइन करेगा उसे यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। यहीं पे दोस्तों यहाँ पे QA के लिए वैकेंसी, MSc Analytical B Pharma, 2-4 साल का एक्सपीरियंस। RA के लिए वैकेंसी, API के लिए, जहाँ पे BSc MSc B Pharma, 1-3 साल का एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी, फ्रेशर्स जिन्होंने BSc MSc B Pharma किया हुआ है, 4 साल तक एक्सपीरियंस तो भी चलेगा। वही चीज़ यहाँ पर, कॉन्टैक्ट नंबर वही है, एड्रेस वही है और तारीख बारीख और डेट वेट वही है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट के लिए, तो प्रोडक्शन में 1-4 साल का एक्सपीरियंस, BSc केमिस्ट्री। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव के लिए प्रोडक्शन में 7-10 साल का एक्सपीरियंस, BSc केमिस्ट्री। जूनियर केमिस्ट के लिए वैकेंसी, फ्रेशर के लिए BSc के लिए केमिस्ट्री वालों के लिए। केमिस्ट एनालिस्ट के लिए वैकेंसी QC, 2-5 साल का एक्सपीरियंस, BSc केमिस्ट्री। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव वेयर हाउस के लिए 7-10 साल का एक्सपीरियंस, BCom BSc ऑल एरिया। जहाँ पर दोस्तों इंजीनियर के लिए वैकेंसी TSD के लिए, 3-5 साल का एक्सपीरियंस, BTech केमिकल इंजीनियरिंग। केमिस्ट के लिए वैकेंसी है PD लैब, R&D, 3-5 साल का एक्सपीरियंस, MSc ऑर्गेनिक्स। सीनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी इंजीनियरिंग में 7-10 साल का एक्सपीरियंस, BTech मैकेनिकल। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी HR एंड एडमिन, 1-2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पर दोस्तों मेल ID पर अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं, HR@ILOVARES.com।
कॉन्टैक्ट नंबर है 9100661633। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, यस यहाँ पे दोस्तों प्लांट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी मेल के लिए, ITI OCP मांगा है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ पोजीशन 16 है। प्लांट सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी है जहाँ पर डिप्लोमा BE BTech केमिकल इंजीनियरिंग BSc और MSc, 2-3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 पोजीशन है। DCS ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है मेल, डिप्लोमा BE BTech केमिकल BSc MSc, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, 3 पोजीशन है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है जहाँ पर मेल, ITI इंस्ट्रूमेंटेशन मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 पोजीशन है। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है जहाँ पर मेल, BE BTech इंस्ट्रूमेंटेशन मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 पोजीशन है। स्टोर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है मेल के लिए, एनी ग्रेजुएट मटेरियल मैनेजमेंट मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 पोजीशन है। एग्जीक्यूटिव परचेज के लिए वैकेंसी मेल के लिए, एनी ग्रेजुएशन मटेरियल मैनेजमेंट मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस, 1 पोजीशन है। डिस्पैच ऑफिसर के लिए वैकेंसी है मेल के लिए, एनी ग्रेजुएट मटेरियल मैनेजमेंट मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, 1 पोजीशन है। ऑफिसर QA QC के लिए वैकेंसी मेल के लिए जहाँ पर BSc MSc केमिस्ट्री मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, 2 पोजीशन है। दोस्तों यहाँ पर मेल ID दी गई है t3_HR@byasharasan.com। जहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट है 25 जून 2021। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों SRF लिमिटेड में है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीनियर प्रोसेस डिजाइन इंजीनियर, क्वालिफिकेशन BTech BE केमिकल इंजीनियरिंग, ME MTech केमिकल इंजीनियरिंग, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस केमिकल का और फार्मा इंडस्ट्री का चलेगा। लोकेशन गुड़गांव इंडिया है। यहाँ पे एज लिमिट 25 से 30 साल का मांगा गया है। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बता दी गई है। अब बात आती है कि आप अप्लाई कैसे करोगे, तो वो चीज़ आपको मैं समझा। तो दोस्तों मैं लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोडक्शन वैकेंसी, 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस, BSc MSc BTech केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। एग्जीक्यूटिव वैकेंसी प्रोडक्शन में 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस, BSc MSc BTech केमिकल इंजीनियरिंग, सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर। QC के लिए वैकेंसी 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस, MSc मांगा केमिस्ट्री एग्जीक्यूटिव। QC के लिए वैकेंसी 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, जहाँ पर दोस्तों MSc एग्जीक्यूटिव AM। QC के लिए वैकेंसी 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, MSc एग्जीक्यूटिव AM के लिए। ये इंटरव्यू 13/6/2021 और 14/6/2021 9 से 12 बजे तक होने का है। एड्रेस हैदराबाद का आपके सामने दिया गया है। दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए 9100440473। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 9100455067। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में CV और आपके जो भी पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो रिलीविंग लेटर है, और प्रेजेंट एम्प्लॉई का अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट 3 मंथ का पे स्लिप, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और आधार कार्ड, ये ओरिजिनल जीरोक्स के साथ लेके जाना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर, यहाँ पे दोस्तों एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है RA के लिए, जहाँ पे MSc M Pharma, 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस। या मेल ID दी गई जिस पर आपको अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं, SHSHETH@TORENTPHARMA.com। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, अगर आपसे रिलेटिव है तो नीचे दी गई मेल ID पे अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैकेंसी दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जहाँ पे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है R&D का, लेबोरेटरी का नॉलेज है, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, जहाँ ग्रेजुएशन चाहिए किसी से भी, 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी BTech BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंस्ट्रूमेंटेशन का या लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर बैचलर इन साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, या आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल, ठीक है, तो आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों SA असिस्टेंट के लिए, जहाँ पर ग्रेजुएशन किसी से भी चलेगा, या डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, और आपको नॉलेज होना चाहिए MSW, Excel, ETC, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए।
नेक्स्ट बात करूँ प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन जियोलॉजी जियोग्राफी और अप्लाइड जियोलॉजी अर्थ साइंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बताए गए हैं कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीटेक बीई इन सिविल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक केमिकल, यहाँ पर 260% के साथ होना चाहिए, या आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट बात करूँ प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, यहाँ फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करे गए। तो यहाँ पर अगर आपके पास सेम पोस्ट कोड 7 अबव। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, ठीक है, या आपके पास यहाँ पे डॉक्टर डिग्री हो। नेक्स्ट बात करूँ प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस, ऐसे PhD चाहिए यहाँ पर और 4 ईयर एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए वैकेंसी जहाँ फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रिलेटिव बता दी गई है आपको, ठीक है, या आपके पास मास्टर डिग्री है बीटेक बीई सिविल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक केमिकल 60% के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ बताया गया PhD के लिए तो प्रेफरेंस मिलेगा। प्रोजेक्ट साइंटिफिक यहाँ पर सेकेंड के लिए वैकेंसी आप पोस्ट कोड सारे कुछ बता दिए गए हैं, यहाँ पर मेंशन करेगा पूरा बता देगा कि जो 11 वाला कोड है ना वही सेम यहाँ है। तो यहाँ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर कोड जो 11 वाला वही काम करेगा, 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर सारे एज क्राइटेरिया बता दिए गए आपको, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या छूट है वो बता दी गई। यहाँ पर आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर कौन सी पर जाना रहेगा अप्लाई करने के लिए, www.ncess.gov.in पर जाना रहेगा, ठीक है। तो आपको जो अप्लाई करना है तो वहाँ जाना रहेगा। अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर बता दिया गया, आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, सारी चीज़ें और बहुत सारी कितनी के वी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझाएगी, वो PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ये दोस्तों 7/7/2021 शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर GETCO में वैकेंसी है। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल वाले के लिए, शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल के लिए बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रिलेटेड बताया, फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, 55% के साथ होना चाहिए और आपका 7th एंड 8th सेमेस्टर एग्ज़ाम में एट फर्स्ट मतलब ट्रायल विदाउट ATKT, ठीक है। ऐसे दोस्तों BE और BTech सिविल वाले के लिए यहाँ पर बताया गया, ठीक है, सेम टू सेम बट रिलेटिव ब्रांचेस। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। एज क्राइटेरिया बता दिया गया कि आपका जो एज क्राइटेरिया है वो नोटिफिकेशन में दिया गया, वो जो काउंट किया जाएगा 10 जून 2021 के हिसाब से काम होगा। यहाँ पर जैसा बता दिया गया रिजर्व के लिए 35 और बाकी कैटेगरी के लिए 40। तो यहाँ पर पूरी चीज़ जो भी छूट दी गई है वो बताई गई है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट भी दिया गया है www.getcogujarat.com, यहाँ पर जाके अप्लाई करना रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 300 हैं, यहाँ पर बता दी गई हैं कैसे कैसे क्राइटेरिया, यहाँ पर बता दी गई हैं पूरा की पूरी पोजीशंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इसका फ़ी बताया गया, अनरिजर्व SC BC EWS के लिए 500, बात के लिए 250, बाकी के जो चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा वो अलग है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना रहेगा और वहाँ पर सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। 18/6/2021 को लिंक ओपन होने वाला है, जो दोस्तों उसके हिसाब से 21 डे तक ओपन रहेगा और फिर आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर बता दिया ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा इसमें सिलेबस पूरा यहाँ पर आपको समझा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, उससे हम बहुत सारे नोटिफिकेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर करना मना बोले। जय हिंद, जय भारत, फिर से हाजिर होंगे।